सुनीता विलियम्स बेंग के कैप्सूल से अंतरिक्ष में जाएंगी। मिशन कामयाब हुआ तो नासा भी स्पेस टूरिज्म शुरू होगा। विमान बनाने वाली कंपनी बेंग के पास स्पेस स्टेशन बनाने और उसे अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है। इस मिशन के लिए नासा की मदद ली गई है। बेंग कंपनी पहले ही मानव रहित स्पेस स्टेशन भेज चुकी है, लेकिन अब बारी इंसानों की है। मिशन के लिए नासा के दो सीनियर साइंटिस्ट बूच विलमोर और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को चुना गया है। अभी तक कई अंतरिक्ष यान इंसानों को अंतरिक्ष में लेकर गए हैं, लेकिन बेंग स्टाइल लाइनर कैलिप्सो इंसान को लेकर जाने वाला पहला होगा। तो सुनीता विलियम्स के परिवार के एक करीबी ने यह जानकारी दी है। यूं तो यह मिशन जुलाई 2022 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे एक साल के लिए टाल दिया गया। अब अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बेंग स्टार लाइनर कैलिप्सो नाम का छोटा यान दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। दोनों यात्री दो हफ्ते तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में रहेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतरिक्ष यान और बोइंग स्टारलाइनर बहुत अलग है। अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में लंबे समय तक रह सकता है, जबकि बोइंग के पास अपनी कक्षा में कम समय होता है। अंतरिक्ष यान ज्यादा सामान नहीं ले जाता है, लेकिन बोइंग अंतरिक्ष में उपकरण दूसरे ग्रह के लिए सामान ले जा सकता है। अगर यह बोइंग का यह मिशन सफल होता है तो इससे स्पेस टूरिज्म के नए दरवाजे खुलेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।